तने क्यों अमेज़ॉन ने इस पार्सल को डिलीवर करने में काफ़ी टाइम लग गया। यह बैटरी मैंने अमेज़ॉन से 15 डे पहले ऑर्डर किया था, बट कोई बात नहीं, नाउ फाइनली आई हैव माय स्पेयर बैटरी फॉर कैनन 200E। आप देख सकते हो कैनन 200E में LPE17 बैटरी सपोर्ट करती है, और मेरे पास है डिजिटेक की ओर से आने वाली डिजिटेक LPE17 बैटरी। अगर बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग मेरे को काफ़ी प्रीमियम मिली थी। सबसे ऊपर थी अमेज़ॉन के रैप, उसके अंदर बबल रैप थी, और उन दोनों को हटाने के बाद मेरे को फाइनल प्रोडक्ट ऐसी पैकेजिंग में मिल रही है। तो सर, इस बैटरी की प्राइस की, तो ये मेरे को 885 में अमेज़ॉन से मिली है, बट अगर आप कैनन की ओरिजिनल बैटरी लेना चाहते हो तो वो आपको 3000 में मिलेगी। सबसे पहले करते हैं इस बैटरी की अनबॉक्सिंग, और उसके बाद मैं आप लोगों को कैनन की ओरिजिनल बैटरी से साइड बाई साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो डैट मेरे को इसकी बैटरी बैकअप कैसे मिल रही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, ये रही अनबॉक्सिंग के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। ये है डिजिटेक की ओर से आने वाली LPE17 बैटरी, जो कि मैं यूज़ करूँगा अपने कैनन 200E में। बॉक्स के अंदर और कुछ आपको नहीं मिलता, सिर्फ ये बैटरी मिलती है, और बॉक्स भी काफ़ी सही है। बात करें बॉक्स की, तो बॉक्स काफ़ी सही है, क्योंकि अगर आप अपने स्पेयर बैटरी को रखना चाहते हो तो आपको बैटरी मिसप्लेस नहीं होगी, तो बॉक्स होना एक काफ़ी अच्छी बात है, और बॉक्स की क्वालिटी सही है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ ओरिजिनल कैनन के बैटरी से इस बैटरी को, और देखते हैं कि उस बैटरी और इस बैटरी में कुछ फ़र्क है क्या। डिजिटेक की बैटरी या नीचे वाली कैनन की ओरिजिनल बैटरी, और इन दोनों बैटरी में कोई फ़र्क नहीं है, बट एक चीज़ जो नोटिसेबल फ़र्क है, आप लोग देखो, डिजिटेक की बैटरी पे हम लोगों को 7.4 वोल्ट की आउटपुट मिलती है, और कैनन की बैटरी में हम लोगों को 7.2 वोल्ट की आउटपुट मिलती है। यह बैटरी 1040mAh की है, और डिजिटेक की भी बैटरी 1040mAh की है। इन दोनों बैटरी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि डिजिटेक की बैटरी में हम लोगों को 0.2 वोल्ट ज़्यादा मिलती है, जिससे हम लोगों को कैमरा में कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट अगर प्राइस पॉइंट की बात करें, तो इन दोनों की प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क है, इसीलिए मैंने एक 3000 की बैटरी को, ओरिजिनल बैटरी को इग्नोर कर 885 की बैटरी को ऑर्डर किया है। अब तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरे भाई को बहुत दिनों से घूमने का मन था इसी लोकेशन पे, क्योंकि उसने इस लोकेशन को देखा था मेरे वीडियो पे, और वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि चलो वहाँ पर चलना है, पिक क्लिक करवाना है। तो मैं उसे लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। यह है गलवान वैली ऑफ हजारीबाग, फ़िलहाल तो यही नाम इसका फेमस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उसे घुमा भी दूँगा, और साथ ही साथ इस डिजिटेक की बैटरी की परफॉर्मेंस भी चेक कर लूँगा। सो गाइस, घर में मैं 69 पिक क्लिक करके लाया था, और अभी भी अप्रॉक्स 50 पिक क्लिक किया है मैंने, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है डिजिटेक की बैटरी से। तो आप लोग बताओ कि वीडियो में कहीं आप लोगों को फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बैटरी प्रॉपरली पावर सप्लाई कर रही है, यानी इस कैमरा को। आई गेस जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को तो कोई वैसा सच इशू नहीं नज़र आ रहा। बट बात करें बैटरी बैकअप की, तो ये कंपनी चार्ज्ड बैटरी है, उस हिसाब से मेरे को बैटरी बैकअप काफ़ी अमेजिंग मिल रही है, क्योंकि अप्रॉक्स 100 पिक क्लिक करने के बाद 15-20 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, तो इस कैमरे में मेरे को एक भी पोल अब तक डिस्चार्ज होते नहीं दिखी, विच मीन कि डिजिटेक की बैटरी बैकअप एज़ गुड एज़ ओरिजिनल बैटरी है। बट एक बार मैं आप लोगों को इस बैटरी को कैनन के चार्जर से चार्ज कर वापस से कमेंट में बता दूंगा कि कैनन के चार्जर से चार्ज करने के बावजूद उसके बाद आप लोगों को ऐसी बैटरी बैकअप मिलती है या नहीं। बट अभी तक मैं इसके बैटरी बैकअप से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ।